नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल आरके लव टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो के लिए हमारे एक भाई हैं करण करके, उन्होंने कमेंट किया था कि हमको बर्थडे केक के ऊपर अपना फोटो या जिसका भी बर्थडे है उसका फोटो कैसे लगाया करके, तो उसके लिए वीडियो है और आप सभी के लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि थंबनेल में बिल्कुल वैसे वाला फोटो कैसे एडिट करें या कैसे बनाए करके, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बर्थडे केक के ऊपर अपना फोटो या फिर किसी का भी फोटो जिसका बर्थडे है, लाइक आपकी फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का या फिर आपके फैमिली वालों का, उसका फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, नेम ऑन बर्थडे केक, क्या सर्च करेंगे, नेम ऑन बर्थडे केक। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऐप्स आ गया है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का नेम ऑन बर्थडे केक, इसको आपको टच कर लेना है। इसको टच कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेंगे इसको, ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो ये क्लिक कर लेते हैं और ये सेकेंड नंबर में देखिए फोटो ऑन केक, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक करेंगे, फिर ऐड आ गया है, ऐड को यहाँ से क्लोज कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे ऐड को। फिर यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा केक आ गया है यहाँ पे। तो जिसका भी बर्थडे है, आपकी फ्रेंड का, आपकी गर्लफ्रेंड का या फिर आपके फैमिली वालों का, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो ये वाला केक आप ले सकते हैं। अच्छा से इसमें देखिए हार्ट का हार्ट है इसमें, तो इसको टच कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन आ गया है, तो गैलरी से आपको फ़ोटो ले लेना है या फिर फाइल मैनेजर में होगा तो फाइल मैनेजर से या फिर फ़ोटो से ले सकते हैं। तो मैं गैलरी में रखा हूँ तो गैलरी को ओपन कर लूँगा। फिर यहाँ पे गैलरी में मैं यहाँ पे डाउनलोड पे रखा है, तो यहाँ से ये वाला फ़ोटो मैं ले लूँगा। अब इसको क्या करना है, फ़ोटो को आपको एडजस्ट करना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डन लिखा है, डन को आपको टच कर लेना है। तो ये टच हो गया। फिर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए नेम का भी ऑप्शन आया है, तो जिसका भी बर्थडे है उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इसको टच कर लेंगे नेम को, देखिए यहाँ पे अब जो भी जिसका भी बर्थडे है उसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं सोनाली का लिख दिया, सोनाली लिख दिया। फिर यहाँ से आप जो है उसको बहुत सारा डिजाइन से लिख सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे इस प्रकार से बहुत सारा है, ये नीचे में है और बहुत सारा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर रेड कलर का था हैप्पी बर्थडे करके, तो यहाँ इसका नेम भी हम रेड कलर कर लेंगे। देखिए जहाँ कहाँ पर है रेड कलर, तो फिर ये वाला इसको कर लेते हैं, हल्का फुल्का जम जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐड को क्लोज कर लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे सेव कर लेना है या फिर यहाँ पे देखिए बीच में स्टिकर दिखा है, स्टिकर को टच करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर आ गया है, स्टिकर भी लगा सकते हैं। या फिर जिस नंबर का भी बर्थडे है, जैसे कि 18 साल हो गया उसको या फिर 17 साल या फिर जितना भी साल हुआ है उसका यहाँ पे एज दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि 18 साल का देता हूँ मैं इसका, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप छोटा बड़ा। तो यहाँ पर एक बार स्टिकर को फिर टच करना है आपको और फिर यहाँ से ले लेना है, एड बचा है एड को ले लेंगे। तो ये यहाँ पे ले लिए, देख सकते हैं। तो जितने भी साल का हो गया है जिसका बर्थडे है तो उसका एज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं और केक में उसका फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीका से आप अगर फ़ोटो सेट करके उसका एज लिख के उसका नाम लिख के स्टेटस डालेंगे तो वो उसका जो बर्थडे है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसको बहुत अच्छा फील होगा और वो आपकी इस बर्थडे विश करने के तरीके को हमेशा याद रखेगी। तो इस प्रकार से आप किसी को भी बर्थडे विश करेंगे तो उसका बर्थडे जो है काफ़ी स्पेशल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्रेंड का, अपने फैमिली वालों का या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो इस तरीके से बना के उनको, उनके लिए स्टेटस डालेंगे, उनको सेंड करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और उनका बर्थडे जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से विश कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आप जो है सेव को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐड आ गया, ऐड को ऊपर क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं या फिर ये जो लास्ट में इसको टच करेंगे
तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं या फिर कॉपी टू फाइल किया है दे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं फाइल में। तो यहाँ पे ये पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये आपका जो है फाइल में सेव हो गया है वो, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसको स्टेटस डालेंगे, भेजेंगे और उनका बर्थडे जो है काफ़ी स्पेशल और ख़ास बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसको शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाइए मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टा के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है जो भी डाउट है उसको बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।